तो आज की इस वीडियो में मैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन और विजर को एक साथ स्पॉन करके एक साथ फाइट करके उनको ख़त्म करने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो आज हम फाइट करने वाले विजर एंडर ड्रैगन के, इसको प्रिपरेशन कर लिए मैं नेदर में जाके, जो कि तुम इन्हें देख सकते हो। सो ये सारा सामान मेरे पास कैसे आया ये मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आज मैं कुछ भी करके एंडर ड्रैगन विजर को जरूर मालना ही मालना है और नेदर स्टार एंडर ड्रैगन का एग मुझे लाना है। सो चलते बैक। ओके सो मैं नेदर में गया था, जहाँ पे मैं एक दो घंटे ढूंढने के बाद एक फोर्ट्रेस मिली मुझे, जिस फोर्ट्रेस में मैंने माले बहुत सारे ब्लेजर्स और विडल्स गए थे, जिन्होंने मुझे ड्रॉप किए हेड और कुछ चेस्ट लूटी। फिर उसके बाद हम वही करते रहे, ब्लेजर्स को माले और फिर किसको, विडल स्केटन को मारे। विडल को स्पॉन करने के लिए 3 हेड चाहिए। सो उसी फाइट के दौरान मुझे ये एक स्मिटिंग टूल मिला था और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने विडल स्केटन का सामना किया। फिर उसके बाद मैंने ब्लेजर्स को भल भल के मारा और विडल स्केटन से 2 हेड कलेक्ट किए मैंने। और फिर उसके बाद ब्लेजर्स को मारने के बाद मैंने बहुत सारी ब्लेज लॉट कलेक्ट की और फाइट इंजॉय करो फिर तुम अभी। तो उसके बाद मुझे मिला बेशियन, जिसमें कि मैंने बहुत सारी लूट कलेक्ट की और मैं 3 हेड हो चुके विडल स्केटन के। सो अभी मुझे चलना है अपने कासल में पोशन बनाने के लिए और प्रिपेयर होने के लिए एंडर ड्रैगन और विडल की फाइट के लिए। सो मैं एक ही पोशन बनाऊंगा जो कि स्लो फोरिंग का, क्योंकि बाकी मुझे कोई पोशन चाहिए नहीं, स्ट्रेंथ का भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं जो नेदर क्वार्ट्स लाया हूँ यहाँ पे प्लांट कर लेते हैं उनको और सोल सैन के साथ। यहाँ पे कुछ घर वर नहीं है सो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी जगह पड़ी है। सो यहाँ पे सोल सैन लगा लेते हैं। अभी पहले सोल सैन लगा, 8 सोल सैन ही मेरे पास अभी, मैं ज़्यादा लाया नहीं था लेकिन इतने में तो हो ही जाएगा भाई, 15 नेदर क्वार्ट्स है ना। सो ये मेरे पास 60 नेदर क्वार्ट्स लेंगे बचेंगे। ओके सो 7 नेदर क्वार्ट्स बच चुके, अभी मुझे चलना है कासल में। तो चलो भाई कासल में। ओके सो कासल में मैं आ चुका, अभी मेरे को बनाना स्टार्ट करना है पोशन, जिसके लिए मुझे पहले चाहिए ब्लेज लॉर्ड का ब्लेज पाउडर। सो अभी ब्लेज लॉर्ड से मेरे पास 50, जिसको 4 बना लेते ब्लेज पाउडर, बिकॉज वी हैव इनफ ब्लेज लॉर्ड 48 है अभी भी, जो कि पूरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में चल जाएगी। सो अभी मुझे चाहिए कुछ बॉटल्स, जिसमें कि मुझे पानी भर के इसको पोशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले, पोशन बनाने से पहले मुझे काम करना है, जो कि अपना स्टोरेज खाली करना है अपने लिए। ये स्मिटिंग ये लाया हूँ मैं टेम्पलेट्स, जिनको कि मुझे रखना है। तो अभी 10 टेम्पलेट हो चुके मेरे पास टोटल। सो अभी इसमें वॉट डाल देते हैं नेदर क्वार्ट्स। अभी मेरे को फैंटम जरूरत है। ओके सो फैंटम मैंने भी मिल चुकी है। सो अभी पोशन बनने वाला है, 8 मिनट का बनाना है, 4 मिनट का। सो मेरे को उसके लिए लहसुन डालना चाहिए और ये बन चुके हैं पोशन। सो मैं सोच रहा हूँ 3 पोशन से काम नहीं होगा, 8 पोशन बनाना चाहिए मुझे, मतलब 6 पोशन। सो मैं 6 पोशन बना के मिलता हूँ, 3 और पोशन बनाने मुझे। सो मैं बना के मिलता हूँ। ओके सो तीनों के तीनों पोशन ले दिए, अपने पास टोटल हो चुके 6 पोशन 4 मिनट के, बहुत इनफ है फाइट के लिए, इनफ है। ज़्यादा लेंथ नहीं चलेगी अपनी फाइट, क्योंकि मैं उनको 2 मिनट में हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग नेदरराइट आर्मर है। सो अभी अपना जितना भी फालतू सामान है उन सबको फेंक देते, लग देते यहाँ पे। घास टीयल और वाटर बॉटल अभी कुछ काम नहीं है मुझे, सो अभी इनको लग देते। अभी मेरे को कुछ ब्लॉक्स चाहिए, कौन से ब्लॉक, ये ब्लॉक्स वूल के ब्लॉक्स नहीं चाहिए मुझे, आई थिंक सो स्टोन के ब्लॉक ले लेने चाहिए, वो ज़्यादा यूज़फुल है। और स्टोन मेरे पास भरा पड़ा है, इनफ है स्टोन मेरे पास, 2 स्टैक मोर देन इनफ। सो अभी मुझे एंडल पर्ल बनानी है, उसके लिए मुझे ब्लेज लॉर्ड, सो ये ले लेते ब्लेज लॉर्ड 10। ओके अब सही है, अभी इनका पाउडर बना के एंडल पर्ल को एंडल आई में कन्वर्ट करना है मुझे, कि 12। सो अभी 12 बना लेते एंडल आई, नहीं 12 भी नहीं, 9 बना लेते, क्योंकि बाकी के जरूर पड़ेंगे तब बना लेंगे, है मेरे पास, बस टूट ना जाए एक भी। ओके सो अभी मैं विडल स्केटन का हेड लेना भूल गया,
ये लो विडल स्केटन का हेड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और ये ले लो भाई। ओके सो अभी मेरे को लेना एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और एक स्मीटिंग टेबल और 5 गोल्डन एप्पल है, जिसमें कि मैं 3 ले लेता हूँ। अभी मेरे पास फिलहाल को 3 ही चाहिए क्योंकि फाइट में इजी जीतूँगा। सो बेस डॉट लॉक देते, और अभी मैंने स्मीटिंग टेम्पलेट इसलिए ली क्योंकि अभी मैं अपने एक्स को नेडरलाइट एक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो ये मेरा स्मीटिंग टेबल, और इसमें ये लकी एक्स और नेडरलाइट इंगट और एक टेम्पलेट हो गई विडल को मारने के लिए क्योंकि इसमें लगा है स्माइट 5। ओके सो अभी चलते हैं एंड पोर्टल ढूंढने। तो चलो भाई एंड पोर्टल ढूंढने के लिए हमें फेंकनी पड़ेगी एंड लाइट, और एंड लाइट की डायरेक्शन में हमें जाके मिलेगा एंड पोर्टल कहाँ पे। लेकिन एंडर आई को पहले फेंक के देखता हूँ मैं। अभी पहले खाना खा रहे थे, इतने से फूड में मुझे नहीं होगा मुझे पता है। सो लास्ट में मैं बहुत सारे एनिमल्स को हंट कर लूँगा। ओके सो अभी मेरे को नेदर में जाना पड़ रहा क्योंकि मैं सोल सैंड लाना भूल गया था। हाय चौड़ा सोल सैंड में लेके आ चुका हूँ। सो अभी चलते आई फेंक कहाँ पे। ओके सो इस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ते रहना है जब तक आई अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। तो चलते भाई, और मुझे फूड की भी हंटिंग करनी पड़ेगी इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं फूड एक बार ख़त्म हो गया तो मुझे एंड में फूड नहीं मिलने वाला। चलो भाई जल्दी जल्दी। ओके गाइस, मैं जब ट्रैवल कर रहा था तब मुझे क्या मिला, देखो है ट्राइडेंट वाला बंदा जिसने कि ट्राइडेंट ड्रॉप कल भी दिया। भाई आज का डे तो बहुत लकी है मेरे लिए। सो आई थिंक सो विडो एंड ड्रैगन भी ख़त्म हो जाएंगे बहुत इजीली। ये कौन मारा टपली पे, बट तेरी टपली मारूंगा लेकिन मैं मन नहीं। सो अभी मुझे मिल चुका है एंड डायमेंशन की लोकेशन जो कि इसके नीचे माइन करना स्टार्ट करते। सो ये माइन 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 पिकैक्स लाओगे पिकैक्स, ये माइन करो माइन करो माइन करो। ओ भाई मैंने वाटर बकेट कहाँ पे, भाई वाटर बकेट क्लच कर नहीं पाया मैं, वाटर बकेट ही नहीं मेरे हाथ में। भाई वाटर बकेट रखो भाई मेरे हाथ में। सो अभी मेरे को ढूंढना पड़ा एंड ड्रैगन के लिए एंड पोर्टल जिससे कि मैं एंड डायमेंशन में जा सकूँ, और उसके बीच मिली मुझे एक लाइब्रेरी ड्रो लाइब्रेरी जिसमें से कि मुझे मिली बहुत सारी बुक्स और एक दो टेम्पलेट्स जो कि तुम अभी देख सकते हो यहाँ पे। तो वहाँ पे एक चेस्ट मिली थी मुझे जिसको लिए मैंने एक्स से माइन किए प्लैंक्स को, और उस चेस्ट को मैंने खोला। सो उसमें से क्या निकला तुम्हें देखो, ये देखो भाई एक खतरनाक बुक निकली ड्रैगन के लिए, एम्पेलिंग फोल बुक निकली है भाई। और इस बुक के लिए मैंने स्टोरेज बनाया हुआ, एक टेम्पलेट निकला है उस टेम्पलेट को भी अच्छे से निकाला, फिर एक मैप मिला, फिर लाइब्रेरी मिली, बुक्स लिए मैंने बहुत सारे, फिर मुझे मिला एंड पोर्टल, और फिर ये सिल्वर हिल्स को मारा मैंने। फिर अभी इसका स्पॉनर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्पॉन हो जाएंगे तो, और मैं किस्मत देखो तुम ट्राइडेंट मिल गया लेकिन एंड पोर्टल में एक ही आई लगी, मेरे पास 3 आई है ये, और अभी मुझे 7 आई बची है मेरे पास। भाई बहुत सारी आई तो फूट गई एंडर पोर्टल जिससे कि मैं एंड आई बना पाऊँ। 3 और आई थिंक मुझे लेने जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास कितनी 4 बची है ना, तो एक आई कम पड़ेगी शायद तक मेरे कैलकुलेशन की हिसाब से। मैं ब्लेज लॉर्ड बिल्कुल सही लाया था भाई, बिल्कुल एक्सैक्ट बस 2 बेस लॉक बच गई। तो मुझे पता था भाई एक बेस लॉर्ड के लिए जाना पड़ेगा, आई मीन एक एंडल पल के लिए। सो अभी लेके आता हूँ मैं कैंडल आई। ओके फाइनली मैं एंडर ड्रैगन को ढूंढ के उसको मार के एंडल पल बना चुका हूँ एंड आई। सो अभी चलते, इट्स टाइम टू किल एंडर ड्रैगन, आई एम कमिंग ब्रो, 1 2 3 लेट्स गो। सो एंड डायमेंशन आ गए हम। ओके सो एंड ड्रैगन किल करने हम आ चुके हैं एंड डायमेंशन में। सो अभी चलते भाई ऊपर, ब्लॉक्स तो लो, ये ब्लॉक्स मिले मुझे एंड के। तो चलो भाई ऊपर चलो, ऊपर ऑल ऊपर ऑल ऊपर ऑल ऊपर ऑल, भाई मेरे पास ब्लॉक ख़त्म हो गए। ओके सो अभी ऊपर जाना है मुझे, सो कॉबल स्टोन लगा लेते ये कॉबल स्टोन। ओके
सो अभी मुझे तोड़ने पड़ेंगे इसके क्रिस्टल, क्योंकि अगर मैंने वीरो को एक साथ स्पॉन किया तो अगर ये दोनों फाइट करते होंगे तो इन दोनों की फाइट का कोई मतलब ही नहीं लेगा, क्योंकि अगर वीरो तो मर जाएगा लेकिन एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल से वो अपनी हेल्थ रिचार्ज कर लेगा ना। तो सबसे पहले फोड़ना स्टार्ट करते क्रिस्टल्स को। ये पहला क्रिस्टल जिसमें ब्लॉक लगाएंगे दो, और इसको सेफली फोड़ना है मुझे। ये काम नहीं कर, ये फूट गया। ओके सो अभी मेरा एम बहुत अच्छा है इसलिए मैं इधर से फोड़ सकता हूँ दो तीन क्रिस्टल्स जो कि लैंडर में आ रहे हैं। ये एक दूसरा और एक तीसरा, और ये लास्ट फूट चुका है। और अभी एंडर पर कट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वाटर बकेट मेरी ख़त्म हो चुकी, इसने वाटर को गायब कर दिया एंडर ड्रैगन। अभी बारी है इसको स्पॉन करने की वीडल को, और जंग छेलने की बारी। तो इसको स्पॉन करने के लिए हमें चाहिए सोल सैंड लगानी है कुछ इस दो, और इसके आजू बाजू है, और इसके ऊपर एक हेड और एक कॉल हेड। गलत लग गया भाई, नो गलत क्यों लग गया यार। ओके तो सैंड यू आर लेडी गाइस, एंड ए सेकेंड हेड, क्या तुम लेडी हो, एंड ए थर्ड हेड, लग जा। ये वीडल स्पॉन हो गया, भागो 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 है फाइट करो उससे। सो उसके बाद मैंने वीडल अंडरड्रैगन से बहुत फाइट की और वीडल अंडरड्रैगन को मार दिया। तो तुम वो फाइट इंजॉय करो। फाइट कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और इस फाइट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो अभी इन दोनों से लड़ते लड़ते मेरे टूल्स की तो नहीं लेकिन मेरे आर्मर की हेल्थ बहुत खराब हो चुके। सो अभी एंडर ड्रैगन की एक्सपी से सब रिपेयर कर लो भाई, सब रिपेयर कर लो। 53 एक्सपी मेरी फिर भी भाई मेरे को, और तुम देख सकते हो वीडियो ने क्या हाल किया एंटायर मिशन का, हर जगह गड्ढे गड्ढे बना दिए भाई। इतने गड्ढों का क्या करूँगा मैं, सीमेंट भरो अभी इन गड्ढों में, उसको छोड़ो। सो अभी मेरे को चाहिए एंडर हैग जो कि कहाँ पे गया भाई, यहाँ पे नीचे आई थिंक ना, हाँ ये ला। अभी इसके नीचे टॉर्च लगाएंगे हम, खोदो इसको दो ब्लॉक और इसको खोदे, और इसके नीचे हम लगाने वाले हैं एक टॉर्च। ये टॉर्च लो और ये लगाओ, और इस ब्लॉक को तोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा एक एंडर ड्रैगन का हैग, जिसमें से एंडर ड्रैगन तो स्पॉन होगा नहीं। ओके और ये नेटल स्टार भी मिल चुका है मुझे। सो अभी हमें जाना है वर्ल्ड में, इसको सजा के रखूँगा इस एंडल को, क्या बोलते हैं इस एंड एग को, नेटल स्टार को अच्छे से लग दूंगा। सो मैंने माइनक्राफ्ट को बीट कर दिया फाइनली, कितने 8 या 9 एपिसोड हुआ है ना ये, उसमें बीट कर दिया भाई एंडर ड्रैगन को। सो ये देख भाई मेरा भाग क्या, एंड मेरे तेरे भाई ने क्या लेके आया भाई, एक नेटल स्टार वीडियो का खात्मा करके, और एंडल एग, एंड एग जो भी हो, एंडर ड्रैगन का एग अंडा जो भी हो, इसको लग दो भाई इधर इधर सजा के रखेंगे भाई, एकदम शो पीस में आके दिखना चाहिए बंदों को कि अगर हाँ भाई इसने एंडर ड्रैगन को मारा है। वो पता लगे स्पीड रन में सब एंडर ड्रैगन को मारते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि वीटल और एंडर ड्रैगन के साथ एक साथ फाइट करना कोई आसान काम नहीं था, इसको नेदरस्टार को संभाल के रखो। सो इससे हम बनाएंगे बीकन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और तुम्हें फाइट कैसी लगी और वो भी बताना कमेंट में। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।